एक्चुअली होटल नहीं, एक राजस्थानी ढाबा है जो रात के टाइम इसके दीवार पे लाइटिंग सजाई जाती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और इससे पहले मैं भी यहाँ पे आया था, बहुत अच्छी होटल है, अंदर से इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। दौलताबाद जाने से पहले हमें एक ब्रिज लगेगा जो कि समृद्धि का है, तो ये ब्रिज बन चुका है। इससे पहले मैं आया था तो मैंने देखा था ये ब्रिज कम्प्लीट हो चुका है, मतलब एक्सप्रेस हाईवे अभी गाड़ी चलाने के लिए कंप्लीट हो चुका है। और ये सामने मेरे ब्रिज है, इसके ऊपर जाके देखते हैं। दम से भैया, अरे भाई 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 क्या कर रहा है भाई? ये तो समृद्धि का ब्रिज बने हुआ है ना, तो अभी देखो ना कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मुझे लगता नहीं ऊपर जाने के लिए रोड होगा। अरे बहुत ज़्यादा कीचड़ भाई, अभी बारिश हुई तो खुलताबाद जाए हम। खुलताबाद जाके मतलब घूम के आए, बारिश गिरने की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, लेकिन भाई का प्लान चेंज हो गया बीच में। क्यों? इसलिए मैंने उनको बोला था कि मैंने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छा मतलब रोड जब डेवलप हो रहा था तब, लेकिन उसके बाद आज बना है, कम्प्लीट हो चुका है। ये देखो भैया कैसे भागा रहे हो मोटरसाइकिल वाला। आगे चलते हैं ना, पैदल पैदल जाने में बहुत दूर है यार वो, पैदल जाने में। गाड़ी ऊपर जाने के रास्ते एक काम करते हैं, अपन बारिश अभी कमी है तो अपन खुलताबाद जाके आते, राउंड मार के आते। तो अभी हम निकल रहे हैं खुलताबाद के लिए। ये रोड तो देख लिया आपने कि कितना ज़्यादा तैयार हो चुका है, बन चुका है। बस अभी यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं है, जल्दी ट्रैफिक आ जाएगी रोड चालू होने के बाद, और मोटरसाइकिल जाने को ऊपर रोड नहीं है। तो अभी हम खुलताबाद जा रहे हैं, खुलताबाद जाके वहाँ चक्कर मार के आएंगे, देखेंगे किस तरह का सीन बन चुका है। ये जो बनाने वाला है ना, ये रोड के ऊपर पानी टिकना नहीं, जो बारिश का पानी आता है ना तो पानी डायरेक्ट नीचे जाना। जितना भी ये समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे बने हुए है, उन सारे रोड पर ऐसी लाइनिंग बनी हुई है, बारिश का पानी रोड पर टिके ना, इसके वजह से सीन बहुत खूबसूरत है। ये मौसम का जादू, ये मितवा दिल पे काबू है मितवा। दौलताबाद फोर्ट, यहाँ से हम डायरेक्ट ही खुलताबाद वेरूर जा सकते हैं। रुकते हैं अबे, इस तरह दिखता है दौलताबाद का किला, दौलताबाद फोर्ट। जाने को तो ऊपर भी जा सकते थे हम दौलताबाद पर, लेकिन प्रॉब्लम ऊपर जाने के बाद कभी बारिश आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर फोटो खींचने के लिए। वो देखो क्या पोज है भाई। तुम क्यों देख रहे हो भाई उधर? लड़की का चक्कर। आगे चलो, आगे से अपन है ना अभी क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाके ना वहाँ से पूरा एसटीओ पार्क का है जो है ना सब सीन। कौन सा नाम, क्या नाम डाल के क्या? अच्छा इस तरह का कुछ नाम डाल सकते हैं अपन इसमें, साइकिल। फिलहाल देखेंगे, इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं मेरे को किचन में, तो ये गाड़ी खरीद लेंगे अपन। इसके राइड के लिए भी पैसे ही लगता है ना, तो छोटे बच्चे को लेके आता मैं कल। अब ला लो तुम्हारे बच्ची को, ला लो वो देखो बंदर। अरे भैया जब मैंने मेरे घर पे घोड़ा बुलाया था राइडिंग के लिए सीखने के लिए, तो मैं 50 रुपये दे के घोड़े की राइडिंग क्यों करूं? मैंने तब दिन भर घोड़ा चलाया था। अरे भैया मेरे सामने कौन बैठे भाई? उन्हें छोटा सा बच्चा है उसकी पेट में, इनको दूर से सलाम। उनकी पूरी बारात है यार।
इससे पहले मैं यहाँ पर आया था, ये रोड से यहाँ पर गया था, इस तालाब का भी वीडियो बनाया था मैंने। और ये ना H2 वाटर पार्क है, तो ये H2 वाटर पार्क है, कुछ इस तरह का दिखता है। अभी पता नहीं बारिश में चालू है या नहीं। नहीं यार, मुझे लगता मैंने, हाँ मुझे लगता है इस रोड से गया था मैं, ये जो रोड जा रहा है ना, इस रोड से गया था वहाँ पर, शायद आपको दिखाई दे, वहाँ पर लोग भी हैं, या लोग है वहाँ पर। और ये जो पीछे देख रहे हो ना वाटर पार्क, तो वाटर पार्क भी अभी चालू है क्या नहीं क्या मालूम, एक बार गया था मैं वहाँ पर। उतर रहा तू, पानी पिला उसको। नहीं बोल रहा, डर गया यार वो। बहुत मज़ा आ रही होंगे यार इनको ऐसे बहुत ज़्यादा। हमने अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली, बारिश आने का डर है क्योंकि घर पे अभी जाने के लिए मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल पे अगर भीग गए तो क्या हालत होंगी, फिर आगे का सोचना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। ये ब्लैक वाला बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना, वाइट। ये खुलता बाद में देना पहले घोड़े, खुलता बाद में। अरे वो अपने भैया ने खींचे हुए ना, राहुल भाई ने, वो स्क्रीन शॉट ले हुआ, तुमको बताता मैं। बहुत बारीक खुलता बाद में, ये वाइट वाला था ना। हिरण्या रिसोर्ट H2O वाटर पार्क, ये रोड है यहाँ से जाने के।